रियल स्टेट रेंटल एजेंट। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, अगर आप रेंट का बिजनेस करते हैं रियल स्टेट में या कॉरपोरेट लीजिंग का बिजनेस करते हैं, तो एज अ रेंटल एजेंट, एज अ लीजिंग एजेंट, आपको रियल स्टेट के बिजनेस में सर्विस देना क्यों जरूरी है, ये डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हम नहीं चाहते आपका एक भी वीडियो मिस हो। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने पॉइंट्स, जितने वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये सब रिसर्च बेस्ड वीडियोस है। बहुत सारे एजेंट से बात करने के बाद, मार्केटिंग डायरेक्टर से बात करने के बाद, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर से बात करने के बाद, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से बात करने के बाद हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्यों एज अ रेंटल एजेंट भी, हाँ एज अ रेंटल एजेंट भी आपको दोस्तों सर्विस देना बहुत जरूरी है। रियल स्टेट की इंडस्ट्री अब धीरे धीरे एक सर्विस इंडस्ट्री प्लस प्रोडक्ट इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनते जा रही है। जो जितना अच्छा सर्विस देगा उतना ज़्यादा उसका अच्छा क्लाइंट बेस होगा, और जिसके पास जितना ज़्यादा बड़ा क्लाइंट बेस होगा उतना बड़ा उसका बिजनेस आगे जाकर होगा। तो क्यों जरूरी है वो जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, टू गेट मोर रेफरल्स। अगर आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दिलवाई है, चाहे वो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई कमर्शियल शॉप हो, चाहे कोई ऑफिस हो, अगर आप उनसे अच्छा रेफरेंस चाहते हैं, तो पूरे डील के प्रोसेस के दौरान आपको सबसे पहले तो रियल एस्टेट का अच्छा नॉलेज लेकर उन्हें सर्विसेज देनी होगी, जिस भी लीगल डॉक्यूमेंट की उन्हें जरूरत होगी। चाहे हो सकता है कभी उन्हें प्रॉपर्टी की ऑटोकैड ड्रॉइंग की जरूरत हो, कभी उन्हें 3D आउटलुक की जरूरत हो, कभी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी सपोर्ट, कोई लीगल पेपर, कोई कमर्शियल सैंक्शन डॉक्यूमेंट, किसी भी चीज की जरूरत हो, अगर आप वो सही समय पे प्रोवाइड करते हैं, अपने क्लाइंट से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, तो जाकर आपकी सर्विस की लेवल इंप्रूव होती है और वो क्लाइंट आगे जाकर आपको अच्छे रेफरेंसेस देता है। सेकंड पॉइंट, क्यों जरूरी अच्छी सर्विस है, टू गेट मोर रेवेन्यू। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि उसका बिजनेस बढ़े, उसका बिजनेस ग्रो करे, वो और ज्यादा पैसे कमाए। तो अगर आप रियल स्टेट रेंटल एजेंट है और अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छी सर्विस देंगे अपने क्लाइंट को, उस कंपनी को। अगर वो एक इंडिविजुअल है, वो अपने लिए कोई फ्लैट देख रहा था, घर देख रहा था, तब आपने दिलाया, आपने अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए, उसे डील के दौरान हेल्प की, जब जब उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी रिलेटेड विद लीगल डॉक्यूमेंट पेपर, वो आपने हेल्प किया, बहुत इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों इस चीज़ का। दूसरा, रेवेन्यू कब बढ़ता है, रेवेन्यू तब बढ़ता है जब आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे अच्छी सर्विसेज देते रहते हैं। तीसरा पॉइंट, क्यों जरूरी अच्छी सर्विस देना, टू विन क्लाइंट्स ट्रस्ट। अगर आपको क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना है, उसका भरोसा जीतना है, उसका विश्वास जीतना है, तो एज एन एजेंट जब आप देखिए, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं एक सिटी में, और लोग 25 एजेंट से मिलते हैं, उसमें से एक या दो लोग याद क्यों रहते हैं, उनका पर्सनल टच, उनका जिस तरीके से डील करने का तरीका होता है, बात करने का तरीका, लोगों के साथ रिलेशंस मेंटेन करने का तरीका। ये भी हो सकता है कि किसी क्लाइंट को आपने सिर्फ 25,000 रुपीज़ के रेंट पर एक 2BHK फ्लैट दिलवाया हो, लेकिन आपने उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखे, धीरे धीरे सोशल मीडिया पे उनके साथ आपकी दोस्ती हो गई, और आपका बर्थडेज विश करना, एनिवर्सरीज विश करना, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना आपने शुरू कर दिया। 2 साल बाद फिर से उस व्यक्ति को अगर किसी और प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है रेंट पे, हो सकता है इस बार उसका बजट 1 लाख रुपये का और वो कोई कमर्शियल शोरूम देख रहा हो, या 5 लाख रुपये का भी हो सकता है, उस केस में आप अगर रिलेशंस मेंटेन नहीं करते, अच्छी सर्विसेज नहीं देते, तो आप बिजनेस लूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, टू इंक्रीज क्लाइंट बेस। देखो, क्लाइंट बेस कब बढ़ता है, 1 क्लाइंट से 2 क्लाइंट होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। आपका क्लाइंट बेस कब बढ़ता है, जब आप रेगुलर बेसिस पे सामने वाले की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जब उन्हें उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट देते हैं। अगर कोई आपके पास कोई रिक्वायरमेंट लेकर आया कि मुझे 3BHK 1500 स्क्वायर फीट के आसपास चाहिए, ये लोकेशन पे चाहिए, आजू बाजू गार्डन ये ऐसा होना चाहिए, और आपने एग्जैक्टली वैसी प्रॉपर्टी ढूंढ कर निकाल दी, तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये बंदा अलग है, ये बाकी लोगों से अलग है, इसके अंदर स्किल है, टैलेंट है, डेटा बेस बहुत बड़ा है। तो तब जाकर ही आपका क्लाइंट का बेस इंक्रीज होगा, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट आप पे बढ़ता जाएगा। बहुत सारी कॉर्पोरेट लीजिंग एजेंसीज ऐसा ही करती है, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है वो क्लाइंट का पूरा डेटा बेस मेंटेन करती है, उनके रिक्वायरमेंट को समझती है, उनके रिक्वायरमेंट को समझ कर ही एक्सेक्ट प्रॉपर्टीज देती है। पांचवा, टू गेट रिपीटेटिव बिजनेस। दोस्तों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अगर मैं किसी एक क्लाइंट के साथ काम करूं और अगली बार जब उसे जरूरत हो, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वो मेरे पास ही आए। वो रिपीटेटिव बिजनेस कब मिलता है, जब उसका एक्सपीरियंस डील में आपके साथ बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए कि पूरी डील के दौरान उसे लगा कि कितना स्मूथ प्रोसेस हुआ, हर जगह जल्दी जल्दी काम हो गया, कहीं पे भी उसका प्रोसेस अटका नहीं, कोई डॉक्यूमेंट जब लगा समय पे मिल गया, कोई भी लीगल मैटर का रिक्वायरमेंट था जल्दी हो गया, एग्रीमेंट समय पे बन गया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बन गया, ये सब चीज़ों को जो एजेंट अच्छे से समझता है, जो नॉलेज रखता है, ज़रूरत पड़ने पर व्हाट्सअप पर, ईमेल पर जो डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ्स रखते हैं वो तक भेज सकता है। बहुत डिटेल में भी हम आगे वीडियो लेकर आएंगे कि अच्छी सर्विसेज देते कैसे, पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि देना क्यों ज़रूरी है अच्छी सर्विस। क्योंकि अगर आप इस
प्रोसेस को समझ गए कि अच्छी सर्विस देना जरूरी है, तभी जाकर आप अच्छी सर्विस देने का प्लान बनाएंगे। तो दोस्तों ये पूरे डिटेल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हम आपके लिए क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश में हर रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर को एक राइट रियल स्टेट नॉलेज मिले, ट्रेनिंग मिले। और जो हमारा मिशन है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करें, कोच करें, और उनके थ्रू अगर भारत में एक रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर भी 40-50 लोगों को जॉब दे पाता है तो दोस्तों मेरे भारत देश में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब रियल स्टेट सेक्टर में क्रिएट होंगे। इसी मिशन के साथ मेरी पूरी टीम काम कर रही है, इसी मिशन के साथ हमने RGC बुक रियल स्टेट गेम चेंजर बुक अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, इसी मिशन के साथ हमने 50 से ज़्यादा CEOs का पूरे एशिया में इंटरव्यूज लिए, इसीलिए ताकि आप तक प्रैक्टिकल नॉलेज पहुंचे। तो अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपको लगता है वीडियो काम का है, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, इसे डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, अलग अलग जगह इसके लिंक आप शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक रियल प्रैक्टिकल नॉलेज इस इंडस्ट्री का पहुंचे। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच।